हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले सोशियो कल्चरल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? तो सोशियो कल्चरल प्रोसेस जो होते हैं वो आपके सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट, फिर कॉन्फ्लिक्ट के बाद में कंपटीशन, कंपटीशन के बाद में कोऑपरेशन, कोऑपरेशन के बाद में इंटीग्रेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन। ये सारे टर्म जो हैं वो सोशियो कल्चरल प्रोसेस कहलाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होता है सबसे पहले, दो कल्चर जब मिलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के बाद में जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर कोऑपरेशन होता है, उसके बाद में कंपटीशन होती है, कंपटीशन के बाद में कोऑपरेशन होती है, फिर इंटीग्रेशन होता है, एकोमोडेशन होता है, एसिमिलेशन होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें ये सारे स्टेप्स होते हैं सोशियो कल्चरल प्रोसेस में, ठीक है? सारे अलग अलग हैं। अब कोऑपरेशन प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी कोऑपरेशन आपका फैमिली का हो गया और सेकेंडरी कोऑपरेशन में आपका हो गया जो मास्टर और स्टूडेंट का हो गया, ठीक है, वो सेकेंडरी कोऑपरेशन हो गया। प्राइमरी कोऑपरेशन में सेम एक्टिविटी होती है, लेकिन सेकेंडरी कोऑपरेशन में सेम एक्टिविटी नहीं होती है। टीचर का काम टीचिंग करना है और स्टूडेंट का काम लर्निंग करना है। तो सेकेंडरी कोऑपरेशन में स्पेसिफाइड जो है वो ड्यूटी होती है, और प्राइमरी जो कोऑपरेशन है उसमें सेम वर्क है, फैमिली में सारे लोग सेम वर्क करते हैं जो इंटरनल वर्क होते हैं, ठीक है? तो प्राइमरी कोऑपरेशन क्या है, सेकेंडरी कोऑपरेशन क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट हो गए, एकीकरण हो गया, ठीक है, उसमें इंटीग्रेशन के बाद में फिर जो है वो एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन में जैसे आप समझ सकते हो बर्थ एकोमोडेट करते हैं हम ट्रेन में, उसी तरीके से होता है कि कैसे जो है वो एक पूरा सोशल हार्मोनी रहनी चाहिए, ठीक है? तो ट्रेन के एग्जांपल से आप ध्यान रखें। उसके बाद में एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन में फिर जो है लॉन्ग टर्म बॉन्ड आपकी हो गई और एक्सेप्टेंस हो गया सोसाइटी में। ये बात हो रही है सोशियो कल्चरल प्रोसेस की, ठीक है? सबसे पहले शुरुआत कॉन्फ्लिक्ट से होती है, कॉन्फ्लिक्ट के बाद में जो है नंबर दो पे हमने आपको बताया था कंपटीशन होती है, ठीक है? कंपटीशन अनकॉन्शियस होती है, और उसके बाद में जो है फिर कोऑपरेशन स्टार्ट होता है, उससे पहले स्टार्ट नहीं होता। तो ट्रिपल सी हो गया, और ट्रिपल सी के बाद इसमें तब जाके इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आया, ठीक है? तो ये सोशियो कल्चरल प्रोसेस है। नेक्स्ट कम्युनिटी, कम्युनिटी जो होती है वो अब जैसे आप समझ सकते हो बंगाली ब्राह्मण इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में बंगाली ब्राह्मण, तो जहाँ पर भी टेरिटरी जुड़ जाएगी दिल्ली के पंजाबी, वहाँ पर जो है टर्म जो होगा वो कम्युनिटी यूज़ किया जाएगा। जहाँ पर टेरिटरी ज्योग्राफिकल जो है वो बॉन्ड होगी वहाँ पर कम्युनिटी वर्ड यूज़ होता है। एग्जाम्पल जो है एग्जामिनेशन में आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली में पंजाबी या अहमदाबाद में बंगाली ब्राह्मण, इस तरीके से जो होता है आप ध्यान रखें कि टेरिटरी जुड़ी हुई है वहाँ से, एक भूखंड जिसको कहते हैं वो कनेक्ट होगा, उसके बाद में तब कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी का मतलब ही यही है कि टेरिटरी से जुड़ी हुई है, यानी लैंड से जुड़ी हुई होगी तो वो कम्युनिटी होगी। तो कम्युनिटी का क्लियर हो गया, और सोशियो कल्चरल प्रोसेस, ये दो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो हमने यहाँ डिस्कस किए। सोशियो कल्चरल प्रोसेस जो हमने बताए वही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एकल्चरेशन में इस्तेमाल होते हैं, जब दो कल्चर आपस में मिलते हैं तो उनके बीच होता क्या है, उनके बीच कोऑपरेशन भी है, कंपटीशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, एसिमिलेशन भी है, एकोमोडेशन भी है, इंटीग्रेशन भी है, सभी प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं और एक पूरा प्रोसेस चलता है। लेकिन सीक्वेंस अगर आप देखो तो शुरुआत कॉन्फ्लिक्ट से होती है, कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कॉन्फ्लिक्ट, फिर उसके बाद में जो है वो कंपटीशन, फिर कोऑपरेशन आएगा, फिर इंटीग्रेशन होगा, फिर एकोमोडेशन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन इज़ द एंड पॉइंट आप कह सकते हो, जहाँ पर पूरा एक्सेप्टेंस हो जाता है, ठीक है? तो ये सोशियो कल्चरल प्रोसेस और कम्युनिटी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये टर्म्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, और आने वाले लेसन्स में हम और डिस्कस करेंगे।